स्वच्छता के प्रति जागरूकता उन सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस स्वच्छता के महत्व को लखनऊ में बैठा हुआ कोई मुझे लगता है ज्यादा नहीं जान पाएगा, दिल्ली में बैठा हुआ कोई युवराज इस स्वच्छता अभियान के महत्व को नहीं समझ पाएगा। वे लोग आकर के गोरखपुर उनके लिए पिकनिक स्पॉट बने, हमें इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए किसी को भी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वाभिमान को जो भी चुनौती देगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश स्वयं अपनी जागरूकता के माध्यम से इस प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए आगे आएगा। और इसलिए मेरा आप सबके प्रति आह्वान होगा, आज जब हम लोग यहां पर आए हैं, हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और मैं नगर निगम और जीडीए से भी कहूंगा इस बात के अभियान के रूप में चलाएं, सफाई करके कूड़े को जहां तहां न रोकें छोड़ें, तत्काल निस्तारण करें। और ये केवल नगर के लिए ही नहीं, महानगर के लिए ही नहीं, हर नगर पालिका के अंदर, हर नगर पालिका परिषद के अंदर, हर गांव के अंदर इसको एक विशेष अभियान के रूप में ले जाने की आवश्यकता है। आप देखेंगे जिस दिन हर व्यक्ति स्वच्छता के इस अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेगा, आप देखेंगे उस दिन यहां पर इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चों की मौत नहीं होगी, उस दिन इंसेफ्लाइटिस से मौत स्वयं मरता हुआ दिखाई देगा। ये क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से मुक्त होगा, डेंगू से मुक्त होगा, कालाजार चिकनगुनिया या स्वाइन फ्लू से मुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश भी हर प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियों से मुक्त होकर के अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के प्रति मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। उस मुस्कुराते हुए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम स्वयं भी मोहल्ले वाइज कमेटी बना करके नगर निगम और विकास प्राधिकरण के साथ स्थानीय समितियां मिलकर के इस विशेष अभियान को चलाएं। इस अभियान में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। यह अभियान केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित न रहे, हर सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न प्रकार के उन संगठनों की इसमें सहभागिता भी बने और उन सबको जोड़ करके हम अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को स्वच्छ रखें। और मैं प्रयास करूं, एक महीने के बाद जब हम लोग आए गोरखपुर में तो उस समय एक प्रतिस्पर्धा हो, कौन मोहल्ला सबसे स्वच्छ, कौन मोहल्ला सबसे सुंदर है, कौन वार्ड सबसे सुंदर है, और फिर उन्हें पुरस्कार देने का एक क्रम प्रारंभ हो। इस बारे में भी जिला प्रशासन और यहाँ का नगर निगम जीडीए मिलकर के एक अभियान प्रारंभ करें। इस विश्वास के साथ आज के इस स्वच्छ उत्तर प्रदेश अभियान को, इस विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को इंसेफ्लाइटिस या हर प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से मुक्त करेंगे। आप सबके प्रति मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।